आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल के पास बम की सूचना से हड़कंप मच गया। ताज पूर्वी गेट के पास कुकर मिलने से हड़कंप मच गया। ताजमहल के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर ताज पूर्वी गेट के पास कुकर मिला और जिससे जांच के लिए बीडीएस की टीम पहुंची है, लेकिन इस पूरे वाक्या से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में एजेंसियां जुट गई हैं। नागेंद्र त्यागी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नागेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, ताजमहल के पास ऐसा क्या हुआ कि सबको लगा कि वहां पर बम है और हड़कंप मच गया? हिनाजी, ऐसा हुआ कि वहां पे एक खाली कुकर पाया गया ताजमहल के पास। एक्चुअली शुक्रवार भी था, तो शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, तो लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा तैयार था। सीआईएसएफ के जवान थे, उनमें एकदम हड़कंप मच गया वहां पर। खाली कुकर को देखते उन्हें शंका हुई कि इसमें बम हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी जांच की तो वो कुकर पूरा खाली पाया गया। और सीसीटीवी फुटेज से ये तय हो रहा है कि ये कुकर यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो यहाँ सीएसएफ के लोगों का मानना है कि शायद कोई बंदर ने किसी घर से उठाया है और उससे फेंक दिया होगा कुकर, ऐसा सुनने में आ रहा है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद नागेंद्र।